एमपी की सबसे हॉट सीट पर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इंदौर वन सीट से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ एक दूसरे की गलतियां खोजने का दौर भी चल पड़ा है। इसी क्रम में इंदौर वन विधानसभा सीट पर भाजपा के हाई प्रोफाइल प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव आयोग से शिकायत सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिकायत तैयार करने वाले वकील सौरभ मिश्रा ने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी ने अपने खिलाफ दर्ज किए कई आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने खिलाफ बंगाल में आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज केस की जानकारी नहीं दी। विजयवर्गीय पर दुर्ग में भी एक अपराध दर्ज है जिसका उल्लेख उन्होंने नामांकन पत्र में नहीं किया। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय ने अधूरी जानकारी दी है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से की गई शिकायत की पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। संजय शुक्ला ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी भरता है तो उसका नामांकन फॉर्म निरस्त हो जाता है, लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट भी जाएगी और नामांकन फॉर्म को निरस्त भी करवाएगी। कांग्रेस की तरफ से की गई शिकायत पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपना नामांकन विधि पूर्वक और पूरी तरह सही भरा है, लेकिन अगर कांग्रेस को किसी तरह की आपत्ति है तो वो दर्ज कराए, भाजपा उसका जवाब देगी। इंदौर वन सीट से भाजपा ने इस बार वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने यहाँ से मौजूदा विधायक संजय शुक्ला पर फिर दांव लगाया है। शुक्ला ने पिछली बार भाजपा के सुदर्शन गुप्ता को बड़े अंतर से हराया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।